तो आज इस वीडियो में हम 12th हिस्ट्री का जो 12th लेसन है या फिर चैप्टर इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट टू, इसके हम एक्सरसाइज अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि अगर 15 मिनट्स का रहा तो पार्ट वन ही रहेगा, मतलब एक ही वीडियो रहेगा, और अगर ज़्यादा लेंथ लंबा हो जाता है तो हम पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड कर देंगे, ठीक है इसको। तो अभी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। तो जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वो पेज नंबर 108 से एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होती है। तो पहला क्या है कि करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इन 1995 द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द कैंपेन डब्ड एज, कौन सा था, मिसल्स रुबेला था, BCG था, या पल्स पोलियो, या फिर ट्रिपल वैक्सीन। तो 1995 में गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था, पल्स पोलियो, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है, पल्स पोलियो, मैंने सर्कल कर दिया, आप देख लो। तो हम सेकंड की तरफ अभी बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्या है, द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन डैश टू बिकम कम्प्लीटली लिटरेट वॉज एर्नाकुलम। तो इंडिया में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, कौन से स्टेट का था जो पूरी तरह से लिटरेट, मतलब एजुकेटेड था, मतलब वहाँ के लोग, तो वो था एर्नाकुलम। तो कौन से स्टेट का है ये, केरला का है, ठीक है। ये राइट आंसर इसका क्या आएगा, केरला, ठीक है, केरला है। तो केरला में आपको पता ही रहेगा कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 90 के ऊपर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है इंडिया में। और अभी कौन सा है क्वेश्चन नंबर वन का बी, क्वेश्चन नंबर वन का बी ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का राइट आंसर उसके सामने ही है, राइट है वो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये वाला राइट आंसर है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसका आएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और सेकंड क्या है, कल्चर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, कल्चर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का आंसर कौन सा है, स्टडी ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली, ठीक है। कल्चर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट का कौन सा है, स्टडी ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली। तो ये भी इसके सामने वाला ही राइट है, ठीक है। और अभी थर्ड क्या है दिया है, SEE SCAP। तो इसका आंसर कौन सा राइट है, इसका जो इधर थोड़ा मिस्टेक या फिर प्रिंट में कुछ मिस्टेक है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो ये इसका आंसर, ये सामने वाला ये राइट तो है इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन, पर इधर टर्टल नहीं आएगा, इधर वल्चर्स आएगा, ठीक है, वल्चर्स। आपको पता रहेगा ये स्पेलिंग VULTURES, ठीक है, वल्चर्स आएगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये देखो मैंने अभी कैसा सीधा आपको लेसन में बता देता हूँ, देखो। तो ये देखो, ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा है, पेज नंबर 102 पे आप देखोगे ना, तो इधर आपको देखो सीस्कैप का जो दिया है, ये किसके लिए है, सीस्कैप, सोसाइटी फॉर इको एंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, सीस्कैप इज़ अ फॉर वल्चर्स। देखो इधर ऊपर दिया है, द नंबर ऑफ वल्चर इज रैपिडली डिक्रीजिंग इन इंडिया, वल्चर्स आर द स्कैवेंजर्स इन द नेचर, टू स्पेसीज ऑफ वल्चर्स। तो ये वल्चर्स को कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है, टर्टल का नहीं है। तो क्या बताइए, करेक्शन है, तो आप अपने जो भी टीचर से, रिस्पेक्टेड टीचर से, उनसे आप एक बार कंफर्म करके ले लो कि मैडम इधर टर्टल है या फिर वल्चर है। तो लेकिन ये सामने वाला जो राइट दिया है सिस्कप का क्या आएगा, इंस्टीट्यूट फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स आएगा या फिर टर्टल्स, आप एक बार कंफर्म कर लो आपके जो भी टीचर्स हैं उनसे। तो अभी जो फोर्थ वन है, इंटेक दिया है, INTECH, इसका राइट आंसर इसका सामने वाला ही है फिर से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो ये भी आंसर राइट है। अभी जो थर्ड दिया है, क्वेश्चन नंबर टू दिया है, राइट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस और पर्सन्स और इवेंट्स। तो पहला क्या दिया है, कमीशन एस्टेब्लिश्ड वाइड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। तो कौन सी कमीशन एस्टेब्लिश की गई थी इस एक्ट के तहत या फिर इस एक्ट के थ्रू, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कौन सी कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी। तो ये इसका नाम है NHRC, ठीक है, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन सी कमीशन एस्टेब्लिश की गई थी इस एक्ट के थ्रू, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1993 के थ्रू कौन सी की गई थी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आपको अगर प्रोनाउंसिएशन या फिर ऐसा सुनने में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर बता दूंगा, ठीक है, कमेंट में, कमेंट सेक्शन में। तो अभी सेकेंड वन कौन सा है, द प्लेयर हु वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट टाइटल भारत रत्न वॉज सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इधर आपका आंसर क्या रहेगा, सचिन तेंदुलकर, आपको सब जानते होंगे उनको, सचिन तेंदुलकर, आपको स्पेलिंग भी आती रहेगी, नहीं आती होगी तो देख लो टेक्स्ट बुक में, ठीक है,
या फिर मुझे बोल देना, मैं आपको बता दूंगा, इतना तो आता ही होगा। कंप्लीट दी कंसेप्ट मैप। अभी कंसेप्ट मैप इधर हमें पूछा कि स्पोर्ट्स में कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो अभी स्पोर्ट्स अवार्ड्स के मैं आपको नाम बता दूंगा, ठीक है, नाम बता देता हूँ आपको, या फिर ऐसा लिख के बता देता हूँ। पहला क्या आएगा, अर्जुन अवार्ड, ARJUN, अर्जुन अवार्ड। अवार्ड का स्पेलिंग दिया है, आप इधर से देख लो, अर्जुन अवार्ड हो गया, फर्स्ट वन हो गया अर्जुन अवार्ड। सेकंड वन क्या है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अभी एक मिनट देखो, ध्यानचंद स्पेलिंग बता रहा हूँ आपको, ध्यानचंद DHYANDCHAND, ध्यानचंद है, ठीक है, लाइफ अचीवमेंट। या फिर मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूँ, एक मिनट मैं देखो, इधर ऊपर सर्च बार में मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये देखो मैंने लिख के बता दिया। अब इसको देख के आंसर राइट लिख दो, स्पेलिंग राइट लिखो, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी जो दूसरा है, अभी जो थर्ड वन है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है देखो, द्रोणा DRONACHARY, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड, DRONACHARY, द्रोणाचार्य अवार्ड। अभी फोर्थ जो लास्ट है उसका आंसर क्या है, फोर्थ वाला स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, नेशनल स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट अवार्ड, नेशनल स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट अवार्ड। एनकरेजमेंट का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, ENCOURAGEMENT, एनकरेजमेंट अवार्ड, MENT, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स एनकरेजमेंट अवार्ड। ये चलो कंसेप्ट मैप हो गया आपका पूरा क्लियर। अभी शॉर्ट नोट्स दिया है, शॉर्ट नोट्स क्या दिया है, पहला है स्पीड पोस्ट। तो जो स्पीड पोस्ट का है वो आंसर आपको पेज नंबर 92 पे मिलेगा, स्पीड पोस्ट का आंसर 92 पे मिलेगा। तो 92 पे हम जाते हैं अभी, तो ये देखो हम पेज नंबर 92 पे आ गए, और इधर आपका आंसर दिया है स्पीड पोस्ट का, ठीक है। तो इधर जो दिया है क्या स्पीड पोस्ट, यह है क्या सर्विस, सर्विस है जो भी पोस्ट डिपार्टमेंट है उसकी सर्विस है, जिसमें कि जो पोस्टमैन मतलब पोस्ट कार्ड आपका जो भी रहता है वो आपको जल्दी से बहुत स्पीडली प्रोवाइड कराया जाता है कम टाइम में। तो ये जो सर्विस कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी, इधर ये जो 4-5-6 लाइन में आप इसका आंसर लिख दो, आपका हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर मैंने बता दिया, पेज नंबर 92 है स्पीड पोस्ट का, ठीक है। तो फिर से हम सेकंड पे आप जाते हैं एक्सरसाइज पे, और वैसे वो 92 पेज नंबर वो 11th चैप्टर का मतलब ऐसा था, तो भी चलेगा, आपको आंसर मिलना चाहिए। तो वो स्पीड पोस्ट 92 पेज नंबर, और अभी सेकंड दिया है एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन तो कोई भी बच्चा एकदम लिख सकता है, एकदम चिंदी है ये क्वेश्चन, तो आपके मन से आप लिख सकते हो बिना पढ़े, तो भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया है मेन, खाली एयर पोल्यूशन क्या होता है वो हमें नहीं बताना, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देना है, तो इसलिए आपको मैं पेज नंबर 100 बता देता हूँ। पेज नंबर 100 पर हम जाएंगे अभी, तो ये देखो एयर पोल्यूशन का आपको इधर दिया है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, द पोल्यूशन कॉज बाय ऑटोमोबाइल्स इज इन इशू ग्रेट ऑफ ग्रेट वरी। तो इधर क्या आपको मेन लिखना है कि ये इतना लिख के बाद में क्या लिख देना है, द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड मेड द पब्लिक अवेयर ऑफ इट्स सीवियरिटी। तो इसका आप कम से कम
जो लास्ट में दिया है, दिल्ली आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, इधर तक आप आंसर लिख दो तो आपका हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा और ऐड अप करना तो क्या बोल देना, ये सीएनजी व्हीकल्स का यूज़ ज़्यादा होने लगा है पॉल्यूशन का प्रॉब्लम कम करने के लिए, ठीक है। या और बाद में जो हर व्हीकल को पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल ये वाला टेस्ट पास कराना पड़ता है, और इससे भी बाद में पॉल्यूशन कम होता है। तो इस हिसाब से आप अपना एयर पॉल्यूशन में ऐड अप कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि खाली हम खाली एयर पोल्यूशन दो लाइन में बता के पूरा आंसर तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा मैंने वो बताया वो वाला आप ऐड अप कर दो। और अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड क्या है, इराडिकेशन ऑफ पोलियो। मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे थोड़ा। लेकिन कुछ मिस हो जाता है या फिर कुछ समझा नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है आपको। तो इराडिकेशन ऑफ पोलियो आपको कौन सा पेज नंबर पर मिलेगा, 99 पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गए हम 99 पेज नंबर पे, और इधर दिया है इराडिकेशन ऑफ पोलियो। तो ये देखो इराडिकेशन ऑफ पोलियो, पोलियो इराडिकेशन करके नाम दिया है, हेल्थ के अंडर दिया है पोलियो इराडिकेशन। तो इधर आपको ये इसके बारे में बताना है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया वॉज बाउंड टू रिफ्लेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ये आपको लाइन कट कर देना है, सीधा किधर से लिख देना है आपको कि इन 1995 द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च अ कैंपेन डब्ड एज पल्स पोलियो। इट वॉज स्टार्टेड जॉइंटली अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ WHO, ठीक है, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल। एंड ये इतना बता के दिस कैंपेन वॉज फॉर द रिडक्शन ऑफ पोलियो, इराडिकेशन ऑफ पोलियो द कैंपेन वॉज रन विद अ डे। तो ये आप किधर तक लिख दो इसका, ये पूरा इधर से पूरा पैरा लिख दो, खाली कौन सा लाइन आपको कट करना है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया वॉज बाउंड टू रिफ्लेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, ये आपको कट करके पूरा आप सेम टू सेम लिख सकते हो बस। अभी हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, एक्सप्लेन दी स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्सप्लेन दी स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका आंसर आपको पेज नंबर 105 पे मिलेगा, 105 पे, ठीक है। स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 105 पे हम आ गए। तो ये देखो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी दिया है ना, ये आपका इस आंसर है, मतलब 105 का नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो इधर क्या दिया है कि जो पॉलिसी के बारे में दिया है ये आपको उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, एक मिनट। तो आपको किधर से स्टार्ट करना है कि पहला जो सेंटेंस दिया है द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये आपको कैंसिल कर देना है। सीधा आप स्टार्ट किधर से करोगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस इट्स स्पोर्ट्स पॉलिसी इन 2001, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इंक्लूड टू टेक स्पोर्ट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, टू हेल्प द प्लेयर्स टू डेवलप स्पेशल स्किल्स, टू बिल्ड सपोर्टिव एंड फंडामेंटल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, टू हेल्प नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो ये पूरा पैरा और आप थोड़ा ये वाला ऐड कर देना, कौन सा, इन 2011 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ स्कीम नेम। तो ये आप लोकल यूथ तक आप कर सकते हो, या फिर देवर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन अंडर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोचेस, इतना आप करके आपका आंसर हो जाएगा पूरा अच्छे से एकदम। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उधर डिटेल में पूछा है तो नीचे का एक और वो बाकी के तीन चार लाइन थे वो भी आपको ऐड करना है, तो आप ऐड अप कर सकते हो, क्योंकि डिटेल में पूछा है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा, मतलब थोड़ा लाइन तो अच्छा रहेगा। और अभी सेकंड क्या, विच प्रोग्राम्स एंड फैसिलिटीज़ आर क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो कौन से प्रोग्राम्स और कौन से फैसिलिटीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने क्रिएट किए गए हैं वो हमें इधर बताने हैं टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 106 पे मिलेगा और 107 पे मिलेगा। तो मैं पहले आपको क्या बता देता हूँ कि पेज नंबर 107 बता देता हूँ, जिसमें फैसिलिटीज़ सॉरी एक मिनट, 106 पे फैसिलिटीज़ दिया गया है वो मैं बता देता हूँ कि कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है या फिर क्रिएट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के थ्रू, वो बता देता हूँ। 106 पे हम जाते हैं अभी, पहला 106 पे। तो ये हम देखो 106 पेज नंबर पे आ गए। तो इसमें कौन सा राइट राइट में जो पैरा दिया है, राइट का पैरा, राइट साइड का सेकंड पैरा, तो ये देखो आपको ये साइड इधर ये पेज नंबर दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
आपको आंसर किधर से लिखना है, ये गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट, इधर से दिख रहा है ना, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट, तो जो फैसिलिटीज़ के अंडर ये आपको लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम्स के अंदर जो लिखना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, तो पहले आपको मैं फैसिलिटीज़ का बता दूँ कि कौन से फैसिलिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू क्रिएट वेरियस फैसिलिटीज़ फॉर द कन्वेंस ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़, तो ये इधर से आपको स्टार्ट करना है, तो किधर तक आप लिखोगे इसका आंसर, एंड सो ऑन, ठीक है, किधर तक आप लिखोगे, इधर तक, ये पैरा इधर तक, एंड सो ऑन तक लिखोगे। और फिर से आपको कंटिन्यू किधर से करना है थोड़ा, कि अतुल्य भारत इज़ एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये किसके अंडर आएगा, अतुल्य भारत इज़ एन, ये मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। अतुल्य भारत वो फैसिलिटीज़ का इतना हो गया, इतना इनफ है और उतना ही है, और अभी प्रोग्राम्स का मैं बता देता हूँ। अतुल्य भारत ये दिया है, इधर से आपको प्रोग्राम्स आपका चालू करना है प्रोग्राम्स का, और किधर तक आपको लिखना है ये नहीं लिखना है, आपको इनटेक का दिया है ना, ये वाला आपको कुछ ऐड नहीं करना है, सीधा आपको कंटिन्यू किधर से करना है, इधर से, ठीक है, कैरिड आउट एक्सटेंसिवली, तो इधर से लेके आपको किधर तक लिखना है ये आंसर, तो ये देखो आपको किधर तक लिखना है, जापान एटसेट्रा, ये आपका पूरा प्रोग्राम्स के अंडर आएगा, किधर से, ये प्रोग्राम्स के लिए किधर से आएगा, अतुल्य भारत एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन डिजाइन टू बूस्ट टूरिज्म वॉज कैरिड आउट एक्सटेंसिवली, ये भी पूरा पैरा आएगा, और द इन्फॉर्मेशन ऑफ सेवरल यूनिकली सेकंड पैरा दिया है, ये भी पूरा आएगा, किधर तक आपको लिखना है, जापान एटसेट्रा, ठीक है, इतना इनफ है आंसर आपके लिए। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया, और फिर बाद में हम रिवर्स में ये चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करेंगे 12th के बाद, अभी हम 11th 10 9 8 7 उस हिसाब से हम पूरे हिस्ट्री के जितने भी एक्सरसाइज है सॉल्व कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो, और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को शेयर करो अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है, थैंक यू। तो मुझे लगा था कि पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 बाकी रह गया, तो मैंने फिर से वीडियो रिज्यूम करके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बाकी था, स्टेट योर ओपिनियन, तो इधर क्या दिया है, जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टिसिपेंट कंट्रीज, तो इधर आपका ओपिनियन देना है यस या फिर नो, ये क्योंकि बेनिफिशियल है क्या नहीं जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन, तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो ये वाला लिख दो जो मैं बता रहा हूँ, कि आप पहले तो लिखो यस जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस सेशंस आर बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टिसिपेंट कंट्रीज, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट है मेरे पास, तो आप वो देख देख के आप आंसर लिख दो, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 1 है उसका आंसर इधर दिया है, कि पहला तो क्या बेनिफिट होता है, दे फॉर्ज अ बॉन्ड बिटवीन पार्टिसिपेंट्स लाइक बोथ कंट्रीज, इट ऑल्सो एनहांसेस कॉपरेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट नेशंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एट्सेट्रा, इट विल हेल्प द मिलिट्री ऑफ वन नेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड पार्टनर नेशन, और थर्ड कौन सा है, थर्ड मैंने कट किया है, अभी फोर्थ से कंटिन्यू करो, इट हेल्प्स अ नेशन टू डेमोन्स्ट्रेट द मिलिट्री हार्डवेयर, हेल्प्स अ कंट्री टू एडोप्ट बेटर टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस फ्रॉम इट्स पार्टनर, एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स ने अडोप्ट किया था ब्रॉडकास्ट कंट्रोल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, जो अमेरिका के एयरफोर्स है उससे ये अडोप्ट किया था, ये वाला जो बताया हमने टेक्नोलॉजी कौन सा, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल, ठीक है। और सिक्स्थ बताया, हेल्प्स इट टू बी बेटर प्रिपेयर फॉर टेक्टिकल सरप्राइजेस इन एमरजेंसीज, इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ CBM, ठीक है। और CBA जो 7th दिया है, इट इज़ बेटर फॉर CBM, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आप मत लिखो मेरे हिसाब से। और 8th है, इट हेल्प्स एन आर्म्ड फोर्सेस टू ऑपरेट इन अननोन इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये सब आप बेनिफिट्स लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, जिधर भी इधर भी आपको आपका ओपिनियन देना है, तो क्या है, ऑल ऑफ अस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अवर हेरिटेज प्लेसेस, यस ऑल ऑफ अस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अवर हेरिटेज प्लेसेस, इसका मैं आपको बता देता हूँ इसका भी आंसर, आपको अगर ओन वर्ड्स में आपके खुद के हिसाब से लिखना है तो लिखो, लेकिन अगर ये वाला आंसर लिखना है मेरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो भी चलेगा, तो आपके ऊपर है, आपका ओपिनियन है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, ये रहा आंसर,
द आर्ट हेरिटेज इज़ द आइडेंटिटी एंड प्राइड ऑफ बिकॉज द आर्ट आप क्या लिखो कि बिकॉज द आर्ट हेरिटेज और हेरिटेज इज़ द आइडेंटिटी एंड प्राइड ऑफ अवर कंट्री इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड परपेचुएट द कल्चरल रिचनेस और सेकेंड क्या है टूरिज्म पोटेंशियल फॉर आर्ट मोन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स इज़ वेरी हाई टूरिज्म जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट आर्टिस्ट ड्यू टू द मनी मल्टीप्लायर क्वान्टिटी ये ड्यू टू द मनी मल्टीप्लायर क्वान्टिटी या क्वालिटी ये आप कैंसिल कर सकते हो इतना। और बाद में थर्ड क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एंड अराउंड द एरियाज एग्जाम्पल हम्पी डिस्पाइट बींग अ स्मॉल टाउन हैज़ एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या होता है कि जैसे अगर किधर कल्चरल हेरिटेज साइट है तो जैसे कि हम्पी का दिया है तो वो एक स्मॉल टाउन है लेकिन उसकी वजह से उधर क्या है टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो तो उधर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे तो वो ऑटोमेटिकली उधर डेवलपमेंट करेगी गवर्नमेंट ठीक है। और थर्ड क्या है इट क्रिएट्स जॉब्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ए आर्ट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एज वेल इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ वननेस एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट बाय एनहांसिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ कल्चर और अ रीजन। तो इससे क्या होता है कि ये पहला तो जॉब क्रिएट करता है जो आर्ट इंडस्ट्री मतलब जो अगर किसको कुछ अलग अलग कुछ बनाना आता है मतलब जो भी हैंडीक्राफ्ट रहते हैं वो तो वो अपना सेल कर सकते हैं। और पहला दूसरा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री मतलब टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं लोकल उधर के जो पॉपुलेट लोग हैं मतलब विलेजर्स या फिर जो भी पर्टिकुलर हेरिटेज साइट है उधर के लोग टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं और टूरिस्ट को गाइड कर सकते हैं और इससे जॉब क्रिएट हो गई। और बाद में इससे फीलिंग ऑफ वननेस मतलब यूनिटी की फीलिंग भी आती है ठीक है। और सेंस ऑफ अटैचमेंट इस हिसाब से आपको ये आंसर बता देना है। और एवरी हिस्टोरिकल साइट हैज एन इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल एंड दिस स्टोरीज हैव इंस्पायर्ड मैनी पीपल टू स्ट्रेंथन देयर कन्विक्शंस एंड कमिटमेंट टू फाइट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन ठीक है। इस हिसाब से आप बता सकते हो या आपको जितने पॉइंट लिखने या फिर पूरे के पूरे लिखने तो भी चलेगा लेकिन तीन चार पॉइंट लिखा तो भी इनफ है ठीक है। तो पूरा हो गया ये बस आपका 12 चैप्टर पूरी अच्छे तरह से मैंने बता दिया। अब तो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो। थैंक यू। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it?